इन चीजों को भिगोकर खाना सेहत के लिए है फायदेमंद, दूर रहती हैं कई बीमारियां। जय हिंद दोस्तों, हम सभी किसी न किसी बीमारी या फिर मोटापे से परेशान हैं और हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान से टिप्स जिससे आप सेहतमंद बने रह सकते हैं और छोटी मोटी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आपको बस अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है। अगर आप भी एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हम आपको कुछ बेहतरीन तरीके बताएंगे जिससे आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। इन फूड्स को रात भर भिगोकर खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये चीज़ें थकान को दूर करने के साथ साथ पेट को भी स्वस्थ बनाए रखती है। जब बात सेहत की आती है तो हम खुद को फिट रखने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। जिम में घंटों वर्कआउट करना और ढेर सारा पानी पीना आदि शामिल है, लेकिन स्वस्थ और फिट रहने के लिए सही खान पान का होना बेहद ज़रूरी है। सुबह उठकर कुछ खास चीज़ों का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो रात भर भिगो कर रखने के बाद इनको सुबह खाया जाए तो शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। इन फूड्स को रात भर भिगो कर खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही कई बीमारियां भी दूर रहती है। मेथी, रात में मेथी को पानी में भिगो कर रख दे और सुबह इस पानी का सेवन करे। ऐसा करने से आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। आजकल ये एक आम समस्या है। मेथी का दाना भी पेट के लिए फायदेमंद होता है। ये कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है और ये आंतों को साफ रखने के साथ साथ पाचन को भी ठीक रखती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी फायदेमंद है। साथ ही मेथी का सेवन करने से महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में राहत मिलती है। किशमिश, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर किशमिश हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जब आप रात में किशमिश को भिगोकर सुबह खाते हैं तो ये आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाती है। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। इसके अलावा ये कब्ज की समस्या को समाप्त कर पेट को साफ और स्वस्थ बनाए रखती है। अलसी के बीज, एक चम्मच अलसी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। रात में एक चम्मच अलसी को पानी में भिगो कर रख दे और सुबह इन बीज को खा ले, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये बीज फाइबर, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो वजन घटाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इन बीज का रोजाना सेवन करने से मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। बादाम, बादाम को रात भर भिगो कर रखने से इसका पोषण काफी बढ़ जाता है। बादाम मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जिसके सेवन करने से ये कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी की समस्या से निजात दिलाते हैं। भीगे हुए बादाम वजन घटाने में मददगार होते हैं। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और साथ ही शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है। अंजीर, अंजीर विटामिन, मैग्नीज, पोटेशियम, फाइबर और फास्फोरस से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रख दे और सुबह उठकर इसे खा ले। चना, भीगा हुआ चना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में फाइबर भी होता है। सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है, साथ ही शरीर की थकावट भी दूर होती है। मुनक्का, किशमिश जैसे दिखने वाले मुनक्का में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन पाए जाते हैं। ये शरीर में खून की कमी को दूर करने में बेहद लाभकारी है। मूंग, रात भर भिगो कर रखकर साबुत मूंग अगली सुबह खाने से पेट ठीक रहता है। पेट के लिए ये काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा वेट लॉस करने में भी ये मददगार होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।
और अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यदि आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।